सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलिंदे पाइल के तल में रहते हैं? हम वायु से सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी। अतः यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसी अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप इंसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी भू-आब जीओइड है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.49 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर एपहेलियन कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहेलियन कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्य ताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य ताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य ताप में होने वाली भी भिन्नता के कारक हैं। पहला पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा सूर्य की किरणों का नति कोण, तीसरा दिन की अवधि, चौथा वायुमंडल की पारदर्शिता, पांचवां स्थल विन्यास। परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। यह तथ्य पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नति कोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। एतवे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण
इधर से सौर्य किरणें आ रही हैं उत्तर में 23.5 डिग्री, 47 डिग्री, 90 डिग्री, 66.5 डिग्री, 43 डिग्री, 0 डिग्री, कर्क रेखा दिन होता है, विषुवत रेखा और 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 और 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण में अंधेरा यानी रात होता है। उत्तर आयनत चित्रण 3.9.1 बड़े क्षेत्र पर होता है। प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक हास होता है। सौर्य विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर्य विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होती है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण इन्फ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव होता है। सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यह मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्र में सूर्य ताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षित कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। परवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को चालन कंडक्शन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन कंडक्शन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कन्वेंशन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रक्रम केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन एडवेक्शन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद
एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंग धैर्य विकिरण वायुमंडल गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट चित्र 9.2 में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी ऊष्मा को न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है, यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य ताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परिवर्तित भी प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है, केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 इकाइयों में से 15 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयां बादलों के ऊपर छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी की हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर लघु तरंगों द्वारा कुल सौर्य विकिरण 100% रहता है, जिसमें विकिरण से बादल और बादल से प्रत्यक्ष में 34+ में पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है। अंतरिक्ष में प्रकीर्णन -6 द्वारा प्रकीर्णित विकिरण +17 पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है। अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित बादलों द्वारा -27 पृथ्वी द्वारा -2 कुल +14 वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है। दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण -17 और +6 पृथ्वी से विकिरण -23। वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण -48 +19 संघनन -19 +9 प्रक्षोभन एवं समोहन -9 पृथ्वी का ऊष्मा बजट दिखाया गया है लौट जाती है और सौर्य विकिरण कि इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एलिबडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा पृथ्वी द्वारा अवशोषित। ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां समोहन के जरिए और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। उनमें 17 इकाइयां सूर्य ताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 हैं, जिनका योग 65। ये 0 से 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ऊर्जा वाट पर मीटर स्क्वायर में उत्तर और दक्षिण के बीच में कमी अतिरिक्त और कमी सौर विकिरण काले वाले आडाडर पार्थिव विकिरण दिखाई गई है। नीचे अक्षांश में 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एक तरफ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दक्षिण की तरफ। चित्र 9.3 शुद्ध विकिरण संतुलन में अनुदैर्ध्य
परिवर्तन होता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट तथा अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत गर्म होती है और न ही ठंडी होती है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। चित्र 9.3 में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी डिफिसिटी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है, फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अनोन्य क्रियाएं द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान की अक्षांश रेखा समुद्र तल से, उस स्थान की आगंतुक तीसरा समुद्र से उसकी दूरी, चौथा वायु संहिता यानी वायु द्रव्यमान का परिसंचरण, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, छठवां स्थानीय कारक अक्षांश लैटिट्यूड। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। एटीट्यूड देशांतर वायुमंडल या अंतुगत्व कहते हैं। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः देशांतर बढ़ने के साथ घटता है, यानी एटीट्यूड पर बढ़ने के साथ घटता है। चित्र में टेम्परेचर दिखा रखी है, यानी तापमान उत्तर नीचे दक्षिण भूपृष्ठीय वायु तापक्रम वितरण जनवरी में दिखा रखी है। 30 डिग्री सेल्सियस बीच में विषुवत रेखा, 0 से ऊपर 20, 10, 0 डिग्री सेल्सियस, -12.5 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, इधर 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 12.5 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, और विषुवत रेखा के नीचे 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिखा रखा है। आगंतुक यानी देशांतर के बढ़ने के साथ तापमान घटने की दर को सामान्यतः ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 सेल्सियस है। समुद्र से दूरी किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्द ही गर्म और जल्द ही ठंडा होता है, इसीलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। वायु संहिता तथा महासागरीय धाराएं स्थलीय एवं समुद्रीय समीरों की तरह वायु सहतियां भी तापमान को प्रभावित करती हैं। कोष्ण एवं कोष्ण वायु संहितियों वार्म एयर मासेस से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत
वायुसंचियों कोल्ड एयर मास से प्रभावित कोल्ड एयर मास से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वितरण जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्य समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है। चित्र 9.4 अ एवं ब जनवरी तथा जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरीय गोलार्ध में जुलाई की ये चित्र में उत्तरीय गोलार्ध में जुलाई की भूपृष्ठीय वायु तापक्रम का वितरण जुलाई में चित्र 9.4 ब यहाँ भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त से ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी 10 डिग्री सेल्सियस इधर 30 डिग्री सेल्सियस बीच में 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस और ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस 30 और 30 दो जगह डिग्री सेल्सियस अब विषुवत रेखा के जस्ट नीचे 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस इधर 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाई गई है। अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसीलिए भू संहित और समुद्रीय धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। कुशल महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यह साइबेरिया के मैदान पर ज्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वीय देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तर एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का मध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का मध्य मासिक तापक्रम विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री से अधिक मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग से 18 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती हैं तथा उत्तरीय गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री दक्षिण और 45 डिग्री दक्षिण तथा 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती हैं। जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती हैं। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भागों पर 30 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी एवं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चित्र 9.5 जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर की को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरीय पूर्वीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। चित्र में दे रखा है 9.5 जनवरी और जुलाई के मध्य तापांतरों
तापांतर दे रखा है विषुवत रेखा से नीचे 3 डिग्री, विषुवत वृत्त के नीचे 3 डिग्री, ऊपर 4 डिग्री सेल्सियस, से 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस। अब विषुवत वृत्त 0 से नीचे 3, 20, 10 और 10 डिग्री सेल्सियस मिलते हैं। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटियल है। सबसे कम 3 से तापांतर 20 दक्षिण एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तापमान का व्युत्क्रमण सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, पर कोई कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूल कण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कुहरे की संरचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यही घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधों की रक्षा करती है। ब्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। परियोजना कार्य। अपने शहर या शहर के आसपास के किसी वेधशाला का पता लगाएं। वेधशाला की मौसम विज्ञान संबंधी सारणी में दिए गए तापमान को सारणीबद्ध करें। वेधशाला की तुगांकता अक्षांश और उस समय को जिसके लिए माध्य निकाला गया है लिखें। सारणी में तापमान के संबंध में दिए गए पदों को परिभाषित करें। 1 महीने तक प्रतिदिन के तापमान के माध्य की गणना करें। ग्राफ द्वारा प्रतिदिन का अधिकतम माध्य तापमान, न्यूनतम माध्य तापमान तथा कुल माध्य तापमान दर्शाएं। वार्षिक तापांतर की गणना करें। पता लगाएं कि किन महीनों के प्रतिदिन का माध्य तापमान सबसे अधिक और सबसे कम है। उन कारकों को लिखें जो किसी स्थान के तापमान का निर्धारण करते हैं, और जनवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर में होने वाले तापमान में अंतर के कारणों को समझाएं। महीना जनवरी और मई प्रतिदिन के अधिकतम तापमान का माध्य डिग्री सेल्सियस में 21.6, 39.6, प्रतिदिन के न्यूनतम तापमान का माध्य डिग्री सेल्सियस में 7.3, 25.9, उच्चतम तापमान डिग्री सेल्सियस में 29.3, 47.2, न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में 0.6, 75.5। उदाहरण के लिए वेधशाला सफदरगंज नई दिल्ली अक्षांश 28 डिग्री, 35 डिग्री उत्तरी, अवलोकन वर्ष 1951 से 1980, समुद्र तल के सतह से तुगांत यानी देशांतर 216 मीटर। 1 महीने के प्रतिदिन का माध्य तापमान जनवरी में 21.1 + 7.3/2 = 14.2 डिग्री सेल्सियस, मई में
39.6 + 25.9 बटे 2 बराबर 32.75 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक तापांतर मई का अधिकतम माध्य तापमान जनवरी का माध्य तापमान वार्षिक तापांतर बराबर 32.75 डिग्री सेल्सियस माइनस 14.2 डिग्री सेल्सियस बराबर 18.55 डिग्री सेल्सियस।